क्लास में हमने सीखा था स्वर, स्वर के प्रकार, और स्वर के प्रकार थे दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और अनुनासिक। ये जो अनुनासिक और विसर्ग जो है वो योगवाक है। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे व्यंजन। व्यंजन में कितने प्रकार है, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में कौन से आते हैं और अवर्गीय व्यंजन में कौन से आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी या लिखकर यहाँ पे। ये हो गए व्यंजन। व्यंजन अभी कैसे लिखना है, व्यंजन में कितने हैं, मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ ऐसे ही। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, छ, ञ। ठीक है, अभी त, थ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र। ठीक है, ठीक है, बड़ा क्षेत्र हो गया। ये हो गया क से लेकर ञ तक। अभी ये जो है ये क से लेकर म तक, क से लेकर म तक वर्णीय वर्गीय व्यंजन। ठीक है, और ये जो है ये पूरे अक्षर जो है अवर्गीय व्यंजन। ठीक है, ये जो है वर्गीय व्यंजन है और ये जो है अवर्गीय व्यंजन है। तो अभी ये दो हो गए, तो अभी हम यहाँ पे क, जैसे कि हमने स्वर में लिखा था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, अभी यहाँ पे भी ये दोनों विभाजित होते हैं, जैसे कि अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण यानी कि क्या, वर्गीय यानी कि ये पांच अक्षरों का वर्ग है, इसको क्या कहते हैं, एक लाइन में ही आए हैं, एक समांतर आए हैं, पांच अक्षर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्गीय कहते हैं। जैसे कि ये नहीं है, ये अर, ल, व, श, स, ह, क्षत्र, अग्नि, ये जो है अवर्गीय है, एक समांतर नहीं है ये, इसको हम अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अभी अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानेंगे। ठीक है, अल्प प्राण यहाँ में कौन सा है और महाप्राण कौन सा है, तो हम उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, अभी अल्प प्राण है, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अल्प प्राण यानी मैं कम अवधि में ही उच्चारण होने वाले शब्दों को हम अल्प प्राण कहते हैं। इसी के उदाहरण के लिए क के लिए ज्यादा समय लगता है नहीं, तो यहाँ पे क जो है अल्प प्राण है। और महाप्राण कौन सा है, महा प्राण,
महाप्राण। ख, ख के लिए ज्यादा समय लगता है, तो यहाँ पे ख जो है महाप्राण होता है। ठीक है, अभी हो गया ग। ग के लिए भी अधिक समय नहीं लगता, तो ये भी अल्प समय में ही इसका उच्चारण होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग। ठीक है, घ। घ जो है यहाँ पे अधिक समय लेता है। और न्य जो है क्या है, ये न्य जो है ये अनुनासिक है, अनुनासिक। इसको हम पंचाक्षर भी बोलते हैं। पंचाक्षर, ठीक है, ये हो गया न्य। अभी ये हो गए, एक लाइन खत्म हो गई, अभी तो दूसरी आती है च। च, च के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगता, तो च भी है अल्पप्राण। ठीक है, अल्पप्राण भी ये च। अभी छ, छ के लिए ज्यादा समय लगता है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं छ। ओके, अभी ज, ज के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगता, तो ज भी यहाँ पे अल्प प्राण ही होता है। और महाप्राण कौन सा है, झ। चलो आपको पता चल गया कि कौन सा अल्प प्राण और कौन सा महाप्राण और कौन सा अनुनासिक या पंचम अक्षर है करके। ठीक है, अभी जो है छ होने के बाद न्य आता है, न्य जो है वो भी अनुनासिक है। ठीक है, अभी ट, ट उसके लिए भी ज्यादा समय नहीं लगता, ट। उसके बाद ठ, ठ के लिए वक्त लगता है, तो ये अधिक समय के लिए ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है ड, ड। ओके, इसके बाद ढ। ठीक है, उसके बाद न, न जो है ये भी अनुनासिक होता है और पंचमाक्षर होता है। ठीक है, यह हो गया यहाँ तक। अभी ये जो है हम फटाफट लिखेंगे, त जो है अल्प प्राण है और थ जो है ये महाप्राण है। ठीक है, उसके बाद थ हो गया, अभी द, द जो है ये अल्प प्राण है और ध जो है ये महाप्राण है। ठीक है, इसके बाद आता है न, न भी है अनुनासिक, पंचमाक्षर में आता है ये। ठीक है, अभी है प, प भी है अल्प प्राण और ये है फ, ये जो है महाप्राण। ठीक है, अभी हो गया ब, ब कहाँ पे आता है, ये भी अल्प प्राण ही आता है और ये जो है भ, भ ये महाप्राण है। ठीक है, अभी म रह गया, म रह गया तो ये भी क्या है, मैंने कहा जैसे कि अनुनासिक पंचमाक्षर, तो म पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन, और ये इसको अवर्गीय व्यंजन कहते हैं हम पूरा, य, र, ल, व से लेकर टिल ज्ञ। अभी इसके आगे जो होता है य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, ये जो है ये यहाँ पे भी हम कहते हैं, अभी य, र, ल, व जो है, य, र, ल, व जो है ये है अंत स्थंत, स्थंत व्यंजन। मतलब क्या है, यहाँ पे जीभ, तालु और ओठ से उच्चारण होता है और परस्पर सटाने से यहाँ ये व्यंजन बनता है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसे अंतस्तंत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है श, स, ह, ये जो है उष्म, उष्म व्यंजन, ये जो है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन यानी कि क्या है, श, श बोलने पर मुंह से हवा निकलती है, उसी तरह ही श, स, ह,
बाहर उच्चारण होता है उष्म, और उसके बाद जो है इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अभी जो है ये तीन अक्षर उसे हम कहते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। ठीक है, संयुक्ताक्षर भी कह सकते हैं या संयुक्ताक्षर व्यंजन भी, संयुक्ताक्षर व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, संयुक्ताक्षर व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन यानी कि क्या है, यहाँ पे श त्र ज्ञ ये तीन अक्षर है, ये तीन अक्षरों को यानी कि यहाँ पे हर एक अक्षर दो अक्षरों को इस्तेमाल करके एक सिंगल यानी कि एक अक्षर बना है। जैसे कि अभी कन्नड़ में आप समझिए कि त्र, त्र को र का दीर्घ दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होता है हिंदी में हम त्र ऐसे यानी कि ये र की मात्रा है ये त, उसे हमें दो अक्षरों को मिलाकर हम एक सिंगल अक्षर बनाते हैं, उसको हम संयुक्त अक्षर व्यंजन भी कहते हैं यानी कि कहते हैं। और अभी आपको क्या करना है कि अपने क्लास वर्क में जिससे मैंने कहा था अ से टिल अम अहा तक स्वर और व्यंजनों को कैसे लिखना है करके, उसी तरीके से आपको क्या करना है अभी ये क से लेकर टिल ज्ञ तक आपको इसी तरीके से वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन, और व्यंजन में अवर्गीय वर्गीय व्यंजन में अल्प प्राण कौन से है, महाप्राण कौन से है, और य र ल व श अवर्गीय व्यंजन में अंशस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन और संयुक्ताक्षर कौन से है करके आपको लिखना है। ठीक है, यही आपका होमवर्क रहेगा। धन्यवाद।